नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मर भी जाएंगे तो भी अपना काम नहीं छोड़ेंगे, नर्सिंग डे पर नर्सों का जज्बा आया सामने, कर्मचारी संघ ने किया सम्मान। लॉकडाउन और रोजगार बंदी के बीच पेट्रोल डीजल के दामों ने फिर लगाई छलांग, पेट्रोल 100 रुपए तो डीजल 91 पार। त्योहार के मद्देनजर अमन कायम करने प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च, शहर काजी ने की समाज जनों से घर पर ही ईद मनाने की अपील, बोहरा समाज ने मनाई ईद। 5 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद दम तोड़ा कोरोना योद्धा नजमा ने, कांग्रेसी नेत्री ने लगाया प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। और पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों और परिजनों के लिए बनाया गया सर्व सुविधा युक्त कोविड सेंटर, एडीजी ने किया निरीक्षण। मर भी जाएंगे तो भी अपना काम नहीं छोड़ेंगे, नर्स डे पे सेवा की अद्भुत इच्छा जाहिर करी नर्सों ने, हर हाल में कर रही है मरीजों की तीमारदारी। उज्जैन टीवी आज इंटरनेशनल नर्स डे पर सेवा कार्य में जुटी सभी नर्सों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए इस विपरीत समय में उनके द्वारा की जाने वाली पीड़ित मानवता के प्रति उनकी सेवाओं का सम्मान कर आभार व्यक्त करता है। उज्जैन टीवी के प्रतिनिधि से रूबरू होते हुए सिविल अस्पताल की नर्स सिस्टर सरिता थॉमस और सिस्टर जैकब ने उनके कार्यकाल की जटिलताओं, पारिवारिक दायित्वों, मानवता और कर्तव्य निर्वहन के प्रति समर्पण को इन शब्दों में व्यक्त किया। मुझे तो अपना नर्सेस का पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ही रास्ते पे चलना है, ऐसा नहीं कि अपने परिवार इधर के परिवार को छोड़ के वहाँ के परिवार को जाके देखे। मेरे लिए तो सब एक बराबर है, इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैं इंसानियत रखती हूँ। इसलिए नर्सेस डे पे मैं ये बहुत जरूर तरह से बोलना चाहती कि सभी इंसानों को अपना अपना ध्यान रखना चाहिए, भले वो नर्स हो, डॉक्टर हो, सभी को। जितने भी पेशेंट्स आते हैं, हम लोग पेशेंट्स का ध्यान रखते तो पेशेंटों के रिश्तेदारों को भी चाहिए कि हम लोगों का भी सपोर्ट करे वो, कि हम उनके लिए अपना घर बार सब छोड़ के सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी चाहिए कि हमारा सपोर्ट करें। हम लोग जैसे बोलते हैं कि मास्क पहन के आइए, डिस्टेंस रखिए, इन सब का ध्यान रखते हुए आप लोग आएंगे हमारे पास में, हम लोग के लिए मोस्ट वेलकम है, हम कभी मना नहीं करेंगे हमारी सेवा देने के लिए। मर भी जाएंगे तो भी हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे हमारे अभी जो एस्मा वगैरह लगा हुआ है, ये कोरोना काल में हम लोग सभी अपनी ड्यूटी सर्विसेज दे रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। हालांकि हमारी ड्यूटी का एक टाइम लिमिट होता है, मगर इस टाइम लिमिट को छोड़कर भी हम लोग मतलब एक हर कॉल आने के लिए भी, हर परिस्थिति से निपटने के लिए अपना फ़ोन सदैव चालू रखते हैं। कभी भी इमरजेंसी होने पर हमको कॉल आ सकता है, इस बात का हमें पूरा आभास होने के साथ साथ हम अपनी घर की पारिवारिक स्थिति सबको अपने साइड में रखते हुए हर चीज़ का निर्वाह पूर्ण रूप से कर रहे हैं। हमारे बच्चे छोटे होने के बावजूद भी कितने ही हमारे जो स्टाफ हैं उन लोगों का चाइल्ड केयर लीव्स, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर वो लोग ड्यूटियाँ कर रहे हैं, कोविड में सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत सारे मतलब अपने दायित्वों को निर्वाह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने नर्स दिवस पर नर्सों का किया सम्मान, सम्मान हेतु नर्सों ने माना आभार। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर भारतीय मजदूर संघ से संबंधित राज्य कर्मचारी संघ ने नर्सों का सम्मान किया। इस सम्मान कार्यक्रम की सराहना करते हुए डॉक्टर पीएन वर्मा, मुख्य अधीक्षक सिविल अस्पताल ने कहा, देखिए जो नर्सिंग डे है आज, हम उनकी सेवाओं के लिए शब्द ही हैं, बाकी तो शब्द भी कम पड़ते हैं। जो लोग अपना पूरा परिवार छोड़ के, सब चीज़ें छोड़ के इतने पॉजिटिव मरीजों में दिन रात काम करती हैं, तो उनकी सेवाएं बहुत मतलब महत्वपूर्ण हैं, उनकी सेवाओं के कोई मूल्य नहीं है। मैं उनको इस दिवस पे हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा आयोजित इस सम्मान कार्यक्रम को लेकर संघ के मनोहर गिरी और जिला सचिव दिलीप चौहान ने बताया, हमने नर्स सम्मान इसलिए किया है कि आज विगत एक वर्षों से हमारी बहनें, हमारे भाई जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं,
विगत एक वर्षों से अपने परिवार को छोड़कर दिन रात मानव सेवा में लगे हुए हैं, और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जो मानव सेवा में लगा हुआ है उनका सम्मान करना मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का पहला धर्म है, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा आज हमने यहाँ नर्सों का, सभी का, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया। यह सम्मान नर्सों का खासकर इसलिए किया गया कि 13 माह में इस COVID-19 को देखते हुए जो रात दिन अपनी सेवाओं में लगी नर्सें हैं, जिन्होंने अपने बच्चों, अपने घर को भी त्याग कर ये सेवा का रास्ता अपनाया है, यही वर्ग एक हमारे राज्य कर्मचारी संघ वर्ग का ही एक हिस्सा है। सम्मानित होने वाली नर्सों हेमलता यादव और अनीता इलियाजन ने सम्मानकर्ता संगठन के आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा, बहुत ही अच्छा किया कि आज पहली बार ऐसा लगा कि हमारा सम्मान करने कोई आया है। हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग स्टाफ जो कर रहे हैं 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं और अभी भी हमारी नर्सेज बीमार पड़ी हैं बहुत सारी, और बहुत सी आ गई हैं, उन्होंने रेस्ट भी नहीं किया और ड्यूटी पर सेवा कर रही हैं। लॉकडाउन, रोजगार बंद और दिन पर दिन बढ़ती जा रही महंगाई से त्रस्त हैं लोग, उस पर भी रोजमर्रा की जरूरत, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव निपटते ही पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को उज्जैन में पेट्रोल के दाम में 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई और कीमतें रिकॉर्ड 100 रुपए 51 पैसे पर जा पहुंची। डीजल 91 रुपए 36 पैसे हो गया। नई दरें बुधवार सुबह 6 बजे से लागू होंगी। आजादी के समय पेट्रोल के भाव 27 पैसे प्रति लीटर थे। व्यक्ति की औसत आय व पेट्रोल के भाव का अनुपात देखें तो यह 1% ही है। 1947 में पेट्रोल 27 पैसे और मासिक कमाई 23 रुपए थी। अभी औसत आय 11,000 व पेट्रोल 100 रुपए है, यानी वही 1% का अनुपात। इस संबंध में पेट्रोल पंप संचालक रवि लोहिया ने बताया, ऐसा था पेट्रोल के और डीजल के रेट जो हैं पिछले कई सालों से क्रूड ऑयल जो होता है जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसके हिसाब से रोज चेंज हो रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ने से परेशान उपभोक्ता सुरेंद्र व मनोज राठौर ने बताया, इस कोरोना काल में जो है पेट्रोल के दाम बहुत अधिक हैं, जो है 65 रुपए लीटर पेट्रोल था जिसका आज 100 रुपए से ऊपर हो गया है। महंगाई के हिसाब से पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी मर चुका है। गरीब से मतलब पैसे वाले भी पेट्रोल 100 रुपए होगा, 80 तो ठीक था, अब सीधे 100 रुपए होगा, कहाँ से लाएं 100 रुपए। त्योहारों के मद्देनजर शांति बनाए रखने के लिए शहर के सभी थाना क्षेत्रों में निकाला गया पुलिस फ्लैग मार्च। शाम ढलते ही एक के पीछे एक सायरन बजाती सड़कों पर दनदनाती पुलिस के आला अफसरों की लाल बत्ती वाली गाड़ियां कोतूहल का विषय बन गई। दरअसल शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने व लोगों में कानून के प्रति सम्मान जागृत करने के लिए यह पुलिस का फ्लैग मार्च था, जो शहर के सभी थाना क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने कहा, को लेकर के अभी एक फ्लैग मार्च निकाला गया, इसमें लगभग सभी थाने, मोहल्ले और जो रोड हैं, गलियां हैं, उनको कवर किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करना और साथ में कानून के प्रति सम्मान पैदा करना। ईद पर्व के मद्देनजर प्रशासन द्वारा लोगों से घर में रहकर ही ईद मनाने की जा रही है अपील, वहीं शहर काजी ने भी समाज जनों से दोहराई यही अपील। मीठी ईद मुस्लिम समुदाय के लिए हर्षोल्लास का पर्व है, लेकिन कोरोना काल के चलते शहर काजी खलीकुर रहमान ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि समाज जन अपने घरों में रहकर पर्व मनाएं व नमाज अता करें। अल्लाह रसूल करीम अम्माबाद बरादरान मिल्लत को आगाह किया जाता है कि ईद की नमाज जिस तरीके से हम बकिया नमाजें अपने घरों के अंदर पढ़ रहे हैं, ईद की नमाज भी हम अपने ही घरों के अंदर पढ़ें। देखें, दरअसल वजह इतनी सी है कि ये मर्ज फैलने वाला मर्ज है और उसकी वजह से आज इस मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर कोहराम मचा हुआ है। ऐसी शक्ल के अंदर जरूरत इस बात की है कि हमें भी उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे
फैल न सके। बोरा समाज ने घर पर ही रहकर ईद की नमाज अता की, ऑनलाइन दी मुबारकबाद और अल्लाह से मांगी दुआ। शहर के बोहरा समाज ने ईद मनाई। इस मुबारक मौके पर सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन कर अपने अपने घरों पर ही ईद की नमाज अता की और शीर खुरमा मिल बैठ कर खाया। इस मौके पर मुज्जू भाई टांके वाला, यूसुफ भाई इंदौर वाला, मुर्तजा भाई इंदौर वाले ने भी शिरकत की। समाज के पीआरओ शेख अली असगर मोहिदी और खोजेमा भाई सिंगापुर वाले ने बताया कि ईद की नमाज अदा करने के बाद हमने अल्लाह से दुआ मांगी कि कोरोना वबा से दुनिया को निजात दिलाए और सबको अपनी रहमत से बख्शे। पहले तो सारे उज्जैन शहर वासियों को मैं ईद की बधाई देता हूँ, सारे देशवासियों को ईद की बधाई देता हूँ। बोहरा समाज ने बेहद सादगीपूर्ण तरीके से घर में ही रह के ईद की खुतबे की नमाज अदा की है और बेहद सादगी तरीके से ईद मनाई है। ये दुआ करी है कि ये जो भीषण संकट आया है देश पे पूरे दुनिया में, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, अमन कायम हो। वो हमने सुबह 6 बजे आज ईद का खुतबा पढ़ा, उसके बाद हमने घर से ही सभी हमारे मित्रजनों सभी परिवारजनों को सबको बधाई और उसको फ़ोन द्वारा ईद पे मैसेज किया। और उसके बाद अभी हम जैसा दोपहर में भी नमाज आज घर पे ही अदा करी ईद की। आज हमने पहले ईद की पूरी घर में ही मनाई है, कहीं बाहर गया नहीं है। और हमारा ये मैसेज है कि इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और ताकि इस कोरोना महामारी से हमको जल्द से जल्द निजात मिल सके। 5 दिन तक मौत से मुकाबला करने के बाद अंततः दम तोड़ा कोरोना योद्धा नजमा ने कांग्रेस नेत्री ने प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप। यह बात सही है कि जब इस देश में पद्मश्री प्राप्त सम्मानित जन ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, तब वैक्सीनेशन ड्यूटी में लगी कोरोना योद्धा शिक्षिका की हैसियत ही क्या है। अपने ड्यूटी काल में अस्वस्थ होने वाली शिक्षिका नजमा को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी बिगड़ती हालत और इलाज भी कोताही को देखते हुए कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने धरना भी दिया। नजमा की गिरती सेहत को लेकर डॉक्टर दीपक शर्मा ने कहा, अनकॉन्शियस है और उनको झटके आ रहे हैं शरीर में, मिर्गी के जैसे होते हैं तो दिमाग पे प्रभाव पड़ा है। MRI की रिपोर्ट में जो है ब्रेन हेमरेज आया है और साथ ही उनकी ऑक्सीजन भी कम होते जा रही है लगातार, जो कि कोविड के भी लक्षण साथ मालूम पड़ते हैं। फीवर भी चढ़ रहा है उनको, ICU में इस समय पे हम लोगों ने भर्ती कर दिया कंडीशन देखते हुए, मगर यहाँ पर व्यवस्थाओं के अभाव के चलते यहाँ पर वो इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास में न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन दोनों ही अवेलेबल नहीं है, ना ही उतनी उच्च स्तर की जाँचें हैं। तो यहाँ पर जितनी सहायता हो सकती है उतनी हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, मगर इससे उनको ऊँचे लेवल के इलाज की ज़रूरत है। इस विषय में कांग्रेस नेत्री नूरी खान का कहना था कि जब नजमा को निजी अस्पताल में ICU मिला तो एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर उपलब्ध नहीं था, ऐसे में मैं खुद ड्राइव कर नजमा को निजी अस्पताल ले गई। तमाम जद्दोजहद के बाद भी नजमा की जान बचाई नहीं जा सकी। नेत्री नूरी खान ने अपनी प्रतिक्रिया में दो टूक कहा कि नजमा की असामयिक मृत्यु के लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार हैं। मैं कहना चाहती हूं कि एक कोरोना योद्धा के साथ अगर इलाज में लापरवाही की जाती है तो एक आम आदमी की क्या हालत होती होगी, ये सोचने वाली बात है। आप किसकी जिम्मेदारी मानते हैं इसमें? देखिए, साफ तौर से नज़र आ रहा है कि 5 दिन से उसे इलाज की ज़रूरत थी, सही इलाज उसे नहीं दिया गया। प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को सोचना चाहिए था कि वो एक कोरोना योद्धा है जो वैक्सीनेशन की ड्यूटी करने के दौरान संक्रमित हुई थी और उसके इलाज की जवाबदारी भी सरकार की थी, तो ये सारा के सारा जो दोष है ये सरकार का और प्रशासन का है। पुलिस उच्चाधिकारियों की पहल पर पुलिस कर्मियों के लिए सर्व सुविधा युक्त कोविड सेंटर बनाया गया पुलिस लाइन में। कोरोना योद्धाओं में अग्र पंक्तियों में उल्लेखित पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महकमे के उच्च अधिकारियों की पहल पर पुलिस लाइन में कोविड सेंटर शुरू किया गया। यह केंद्र सर्व सुविधा युक्त होगा। SC सत्येंद्र कुमार शुक्ल के साथ केंद्र के निरीक्षण पश्चात ADG योगेश देशमुख ने बताया, देखिए सभी को विदित है, इस कठिन दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, सभी जनता, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, मीडिया, आप लोग जो एक्सपोज रहते हैं, सभी बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं।
और विशेषकर पुलिस जो 24 घंटे अपने सभी अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, बड़े कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो ऐसे में संक्रमित हो भी रहे हैं। और जितना प्रेशर और लोड आज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है, वो सभी की ज़रूरतें शायद पूरा करने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं रहे हैं, यद्यपि अभी कुछ व्यवस्थाएँ सुधरी हैं। पुलिस का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में पुलिस हॉस्पिटल्स हैं, हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, ट्रेन स्टाफ है, तो ऐसे में हमारे जवान या हमारे अधिकारी जो प्रिमरी जिनको एकदम से सिम्टम्स आते हैं और उनको आइसोलेशन की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए यहाँ पे एसपी साहब और उनकी टीम ने यहाँ पे 10 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। फुल टाइम डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, और यहाँ पे उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कॉन्सनट्रेटर्स की उपलब्ध व्यवस्था है, और जो भी किसी भी पेशेंट को इमीडिएट अटेंशन की आवश्यकता पड़ती है वो तो सारी व्यवस्थाएं। और हमारे जवानों को ये विश्वास होना है, होना भी चाहिए, कि कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो पूरा पुलिस अधिकारी सभी उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, और कोई भी आके यहाँ पे हमारा पुलिस जवान यहाँ पे एडमिट होके अपनी स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। सर, इनके परिजनों के लिए भी ये सब अभी वर्तमान में जवानों के लिए किया है, लेकिन हमारे पास अगर बेड रहेंगे तो हम उनके परिजनों को भी लिमिटेड संख्या में जरूर एडमिट कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए ग्रामों में संसाधनों की कमी को देखते हुए पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने ग्रामों में सहायता करने का लिया निर्णय। शहरों में तो शासन, प्रशासन व समाज सेवियों द्वारा कोरोना काल के चलते सुविधाएं और संसाधन जल्द उपलब्ध करा दिए जाते हैं, मगर ग्रामीण क्षेत्र इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसके मद्देनजर उज्जैन पेट्रोल पंप एसोसिएशन द्वारा राजकोट से ऑक्सीजन फ्लो मीटर मंगवाकर तराना, महितपुर आदि क्षेत्रों में वितरित किए गए। इस संबंध में पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया, गाँव में थोड़ी सी उपलब्धता कम रहती है सब चीज़ों की, तो हमारी एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि हमको ग्रामीण क्षेत्र में मदद करना चाहिए। उसके लिए हमने सिविल हॉस्पिटल तराना 10 ऑक्सीफ्लोमीटर, सिविल हॉस्पिटल बड़नगर, सिविल हॉस्पिटल महतपुर 10-10 ऑक्सीफ्लोमीटर भेज रहे हैं आज हम, और वहाँ से रसीद लाके और सिविल हॉस्पिटल में जमा करवा देंगे। और इसके अलावा हमने 30 ऑक्सीजन सिलेंडर और खरीदे हैं, जो 15 जंबो सिलेंडर हैं, 15 छोटे सिलेंडर हैं, जो माधवनगर रेलवे स्टेशन के सामने अग्रवाल स्टील पे रखे हैं, ज़रूरतमंद व्यक्ति को वहाँ से दिए जा रहे हैं, निशुल्क दिए जा रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अभी हमारे पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सचिव और अध्यक्ष जी गोपाल माहेश्वरी जी, श्री रवि लोहिया जी हैं, और पेट्रोल पंप एसोसिएशन से जब कोरोना काल में पिछली बार भी इन्होंने काफ़ी चैरिटी के रूप में सहयोग किया, और अभी 2-3 दिन पहले जब चर्चा हुई थी ऑक्सीजन के फ्लो मीटर नहीं हैं, तो इन लोगों ने राजकोट से स्पेशल बुलवा के 35 ऑक्सीजन फ्लो मीटर आज जो है कलेक्टर साहब और आदरणीय आयुक्त महोदय को घटिया, उज्जैन और वहाँ पे तराना, महितपुर, बड़नगर और घटिया के लिए आज जो है 35 फ्लो मीटर दिए हैं। हमारे नगर के कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक दे रहे हैं नगर वासियों को कुछ हिदायतें, आइए देखते हैं उनकी सलाह। मैं आम जनों से यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, समस्त सावधानी गाइडलाइन का पालन करें। हमारे मध्य प्रशासन की जो जो गाइडलाइन हमारे यहाँ आ रही है उसका नियमित रूप से पालन करें, घर में रह कर सुरक्षित रहें, बार बार हाथ धोएं, मुंह पर मास्क लगाएं, दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, और समय समय पर अपने अगर आपको कोई बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, यदि आपको कोई ऐसी चीज़ है तो आप अपनी हेल्पलाइन के माध्यम से अपने चिकित्सक को बताएं, या फीवर क्लिनिक हमारे यहाँ चल रहे हैं उन्हें बताएं और अपना इलाज लें, तथा समाज हित में सबसे पहले हमें सुधरना होगा, हम किसी प्रकार की गलती नहीं करें, यदि हम गलती करेंगे तो हम निश्चित रूप से हम समाज को कुछ नहीं दे पाए। प्रत्येक मनुष्य का यह विशेष कर्तव्य है कि वे अपने को सुरक्षित रखते, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने भारतवर्ष को सुरक्षित रखना हमारा पहला कर्तव्य है, और हम स्वस्थ रहेंगे तो सब स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार सबके साथ में हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जब ही शुद्ध होगा, और मैं इसी कामना के साथ महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि ये कोरोना कोविड बीमारी
तुरंत समाप्त हो और सब सुखी हो जाए। जय श्री, जय महाकाल, जय आयुर्वेद। और आइए अब एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मर भी जाएंगे तो भी अपना काम नहीं छोड़ेंगे। नर्सिंग डे पर नर्सों का जज्बा आया सामने। कर्मचारी संघ ने किया सम्मान। लॉकडाउन और रोजगार बंदी के बीच पेट्रोल डीजल के दामों ने फिर लगाई छलांग। पेट्रोल 100 रुपए तो डीजल 91 पार। त्योहार के मद्देनजर अमन कायम करने प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। शहर काजी ने की समाज जनों से घर पर ही ईद मनाने की अपील। बोहरा समाज ने मनाई ईद। 5 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद दम तोड़ा कोरोना योद्धा नजमा ने। कांग्रेसी नेत्री ने लगाया प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। और पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों और परिजनों के लिए बनाया गया सर्व सुविधा युक्त कोविड सेंटर। ADG ने किया निरीक्षण। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।